हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। तो गाइस, बहुत सारे बंदों का रिकमेंड था भाई, मेरा वन डे बेड शॉट नहीं लग रहा है। तो गाइस, उन सभी बंदों का मैं सलूशन लेकर आ चुका हूँ। गाइस, कुछ बंदे भी बोल रहे थे कि मेरा कस्टम हेड शॉट नहीं लग रहा है। तो गाइस, उन सभी बंदों के लिए मैं एक कॉन्फ्रेंस फाइल लेकर आ गया हूँ। गाइस, उस कॉन्फ्रेंस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो गाइस, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, डाउनलोड प्रोसेस वेरी सिंपल है। तो गाइस, मैं बता दूं, वो कॉन्फ्रेंस फाइल बिल्कुल इजीली है। तो गाइस, वो कोई हैक वर्क नहीं है, उससे आपकी कोई आईडी वोडी बैन नहीं होने वाली है। गाइस, वो मैं जब अपने पर्सनल आईडी में लगा कर खेलता हूं। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हेड लग रहा है। तो गाइस, इस कॉन्फ्रेंस फाइल का यूज़ करने के बाद से आपके भी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हेडशॉट लगने वाले। तो गाइस, कुछ बंदों का ये रिकमेंड था कि मैं जूम कहीं और करूँ और हेडशॉट कहीं और लगे। तो गाइस, वो एक एंटीना होता है जिससे आपकी आईडी भी बैन हो सकती है। तो गाइस, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, अभी के लिए यही वीडियो काफ़ी है। तो गाइस, इस कॉन्फ्रेंस का यूज़ करके आप ओनली ओनली रेड नंबर ही मारोगे। तो गाइस चैनल पर नए विजिट करें तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। तो गाइस, बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ। तो गाइस, मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, कुछ इस तरीके से हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो फाइल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में ये दोनों फाइल अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, कुछ इस तरीके से गाइस हम ऊपर वाले फाइल को एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। तो गाइस, ये फाइल एक्सट्रैक्ट हियर हो रहा है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये फाइल एक्सट्रैक्ट हियर हो रहा है। तो गाइस, सिंपली से हमारा ये फाइल एक्सट्रैक्ट हियर हो गया। तो गाइस, यहाँ से सीधे हम चलते अपने डिवाइस मेमोरी पर। जाने के बाद से एंड्रॉयड पे डेटा पे जाने के बाद से कॉम डिटेल फाइल को क्लिक करेंगे। कॉम डिटेल फाइल को क्लिक करने के बाद से हम गाइस जाएंगे फाइल्स पे क्लिक करने के बाद से कंटेंट इशू पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, कुछ इस तरीके से कंटेंट इश्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से गाइस, कंपलसरी और टेम्पल को गाइस, जो कंपलसरी और टेम्पल गाइस यहाँ पे तीन फाइल देख रहे हैं, तो बस कंपलसरी और टेम्पल को गाइस आपको डिलीट करना है। क्या गाइस, तो कट नहीं करना, बस आपको इसको डिलीट करना है। तो गाइस, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं, कुछ सिंपली से इस फाइल को हमने डिलीट कर दिया। गाइस, तो हम फिर से चलते हैं अपने डाउनलोड के ऑप्शन पे। कुछ इस तरीके से हम अपने डाउनलोड के ऑप्शन पे आएंगे। तो गाइस, सिंपली से ऊपर वाले फाइल को कुछ इस तरीके से हम लोग क्लिक करने वाले हैं। तो गाइस, ऊपर वाले फाइल को इस तरीके से क्लिक करके गाइस हम कंटेंट इशू को कुछ इस तरीके से यहाँ पे कट करेंगे। तो गाइस, लॉन्ग प्रेस करने के बाद से इसे कट करेंगे। कट करने के बाद से जाएंगे हम डिवाइस मेमोरी पे जाने के बाद से गाइस हम एंड्रॉइड पे जाएंगे। एंड्रॉइड पे जाने के बाद से डेटा पे कुछ जाने के बाद से कॉम डिटेल फाइल को कुछ इस तरीके से क्लिक करने के बाद से फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद से कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद से फिर से हम जाएंगे डाउनलोड के ऑप्शन पे। तो गाइस, कुछ इस तरीके से डाउनलोड के ऑप्शन पे आ गए। तो गाइस, उसी फाइल को फिर से ओपन करना। ओपन करने के बाद से कौन भी फाइल को कुछ इस तरीके से कट करना। तो गाइस, इसे भी कुछ उसी तरीके से कट करना। कट करने के बाद से कुछ इस तरीके से हम जाएंगे अपने डिवाइस मेमोरी पे जाने के बाद से कुछ इस तरीके से एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे। एंड्रॉइड के लिए क्लिक करने के बाद से डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद से कॉम डिटेल फाइल को कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करेंगे, कंटेंट इशू को ओपन करने के बाद से कंपलसरी पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, जो कंपलसरी पे कुछ इस तरीके से क्लिक करेंगे तो एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे। गेम बंडल्स पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, कुछ इस तरीके से हम अपना फाइल पेस्ट कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पे फाइल हम लोग का पेस्ट होगा। फिर से चलते हैं हम गाइस अपने डाउनलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद से उसी फाइल को फिर से ओपन करना है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आपको एमलॉक एडजस्ट और माइक्रो एचटीएमएल। तो गाइस, कुछ इस तरीके से इसे हम कट करेंगे। कट करने के बाद से गाइस जाएंगे डिवाइस मेमोरी पे जाएंगे। तो डेटा पे जाएंगे, कॉम डिटेल फाइल को कुछ इस तरीके से को क्लिक करेंगे और कंटेंट इशू में आके यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से फाइल को पेस्ट करेंगे। फिर से जाएंगे हम डाउनलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद से नीचे वाले फाइल को कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। तो गाइस, कुछ इस तरीके से इसे हम एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर हो गया। तो गाइस, ऊपर वाला फोल्डर न्यू बन गया। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कई सारे यहाँ पे देख सकते हैं, सबको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद लॉन्ग प्रेस करके इसे भी कट कर लेना। कट करने के बाद से जाएंगे डिवाइस मेमोरी पे, एंड्रॉइड पे जाने के बाद से डेटा पे जाने के बाद से कंप्यूटर फाइल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से फाइल पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, फाइल पे क्लिक करेंगे, कंटेंट इशू पे क्लिक करेंगे, कंपलसरी पे क्लिक करेंगे, एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे, गेम बंडल्स पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, नीचे लिखा होगा यूआई पे कुछ इस तरीके से क्लिक करके हम यहाँ पे इस फाइल को पेस्ट कर देंगे। तो गाइस, सिंपली से आपका यहाँ पे ग्लिच लग गया। तो गाइस, आप अपना फोन रिस्टार्ट करके और अपना फ्री फायर गेम ओपन करेंगे। तो गाइस, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो।